नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं कुछ बेहतरीन स्टॉक के ऊपर बात करूंगा, जिसका चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा रुझान दिख रहा है, और आने वाले वीक में इस स्टॉक में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं, तो एच सी जी का शेयर जो रेंज बाउंड मूवमेंट में था, तो मैंने बोला था कि जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला और इसमें बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट आ गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ओपन हुआ था वो 1573 रुपीज़ के आसपास हुआ था, और अभी ऑलमोस्ट ये स्टॉक 2580 यानी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का एक ही वीक के अंदर दोस्तों विकेट अपने को रिटर्न मिल गया है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि बहुत ही बड़ा प्रेशर बना हुआ था ऑलमोस्ट एक मंथ से उसी लेवल के आसपास, तो ये पूरा प्रेशर रिलीज हो गया है दोस्तों। और जो स्टॉक है उसने रेजिस्टेंस तो तोड़ दिया, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो भी उसने ब्रेकआउट किया, और आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि स्टील का जो कमोडिटी है उसका आउटलुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि HEG और ग्रेफाइट दोनों में इसमें काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट मिल सकता है, बट हमें एक ही वीक के अंदर बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल गया है दोस्तों। अब आगे इसमें क्या करना है उसके लिए मैं आपके लिए फिबोनाची लाइन है वो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, तो अभी पता चल जाएगा कि अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है और हमें कैसे इसमें रिट्रेसमेंट लाइन के ऊपर आगे बढ़ना है। तो रिट्रेसमेंट स्विंग हाई और स्विंग लो के आसपास रहेगा, और उसको ज्वाइंट करने के बाद हमें पता चलेगा दोस्तों कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो 2682 का आ रहा है, और अभी जो स्टॉक है वो 2272 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और 21.45 का 38.2% रिट्रेसमेंट है। अगर हमें 50% का रिट्रेसमेंट आने वाले कुछ हफ्तों में दे देता है या नेक्स्ट हफ्ते आता है, तो हमें जो ये 2145 है, तो अगर 2140 का स्टॉप लॉस रख के इसमें आगे हम कर सकते हैं। जितना नज़दीक आएगा उतना अच्छा है, हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए दोस्तों। अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। आगे मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक, मॉर्फेन लेबोरेटरीज एंड IOL केमिकल, डायमंड्स केमिकल के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना हुआ है, तो आने वाले वीक में आपको काफ़ी अच्छा शॉर्ट टर्म में इसमें मुनाफा बन सकता है दोस्तों। ग्रेफाइट इंडिया सेम स्टोरी है कि वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आया दोस्तों, बहुत टाइम के बाद इस लेवल को तोड़ा था, और इस लेवल को जैसे ही तोड़ा अच्छा वीक अपने को मिल गया। HEG और ग्रेफाइट दोनों सेम पेडिग्री के स्टॉक है, दोनों हाई रिस्क हाई वॉलेटाइल है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में डील करते हैं, तो उसमें जितना जल्दी प्रॉफिट बनता है उतना जल्दी दोस्तों लॉस भी बनता है। अगर उसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो उसमें ये कहानी आपको दिखेगी। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट में जैसे में HEG में ब्रेकआउट मिला है वीकली चार्ट के ऊपर, बट ग्रेफाइट में 725 का जो लेवल है वो टूटा नहीं है दोस्तों, और वहाँ से वो नीचे आ गया है दोस्तों। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको इसमें कुछ करना नहीं है, या तो फिर नीचे आए तब बाय करना है, बाकी यहाँ पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा मिसमैच आएगा, तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में दोस्तों। स्नोमैन लॉजिस्टिक का जो स्टॉक है, जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने रजिस्टर जो लाइन ड्रॉ की है ब्लू लाइन, उसको ड्रॉ करने का रीज़न है कि जो उसका बिल्कुल पहले रजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट लेवल बन चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सालों का ये रजिस्टेंस लेवल था वो तोड़ा उसने, तब भी मैंने अपने वीडियो में बताया था और हाई भी बताया था, और जो 70 का रेजिस्टेंस लेवल है उसको नहीं तोड़ पाया और नीचे आ गया दोस्तों। अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी सपोर्ट के तौर के ऊपर हो चुका है और इसके नीचे क्लोज नहीं आ रहा है दोस्तों। और मैंने बोला था आपको कि इसके आसपास लो और इसके नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे आता है तो उसका स्टॉप लॉस रखो। आज हमें फिर से गेन इसमें मिल चुका है दोस्तों। इसमें अगर छोटा सा अगर रजिस्टेंस हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है अराउंड 55 रुपीज़ के आसपास का, तो वहाँ पे हमें मिलेगा एक छोटा सा रेजिस्टेंस, वो क्रॉस होता है तो 70 के आसपास का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। 70 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 71 रुपीज़ के आसपास का, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें आगे वाले जो नेक्स्ट लेवल के टारगेट है वो मिल सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मॉर्फेन लेबोरेटरी के बारे में।
फंडामेंटली अच्छी कंपनियां ही मैं ज़्यादातर डिस्कस करता हूँ इस चैनल के ऊपर, और जो हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है। और ज़्यादातर मैं जहाँ पे ब्रेकआउट आता है वहीं पे फोकस करते हैं। दोस्तों मोरपेन लेबोरेटरी, अगर आप मेरे चैनल में नए नहीं हैं तो आपको पता है 27 रुपीज़ से हम इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं। जब इसमें ब्रेकआउट आया था तब भी मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट आया है, अगर आपने इंट्राडे पे किया होता तो अपने को 36 रुपीज़ के आसपास का ब्रेकआउट था, 38.75, तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का अपने को गेन मिला था, बट फिर क्लोज नीचे आ गया। दूसरे वीक भी सेम स्टोरी हुआ, उसके नीचे गया, तीसरे वीक, चौथा वीक क्या हुआ, और पाँचवें वीक में देख लीजिए दोस्तों ब्रेकआउट मिल चुका है हमें इस लेवल के ऊपर, और अभी स्टॉक 38.75 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है दोस्तों, और जो हाई बनाया था वो 39.90 का बना है। अगर इस स्टॉक में बात की जाए तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया है आपको कि इसमें जो रिट्रेसमेंट है 161% का रिट्रेसमेंट आता है 54 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ वहाँ तक जाने की ये स्टॉक कोशिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में। छोटा सा जो रेजिस्टेंस है वो 41.5 के आसपास है, और दूसरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, जो मैं आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, वो अराउंड 44-45 रुपीज़ के आसपास बनेगा। दोस्तों एक बार ये लेवल वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेक हो जाता है तो हमें आराम से 53 के आने वाले टाइम में हमें मिल जाएंगे। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ IOL केमिकल के बारे में। IOL केमिकल मैंने लास्ट वीक में ही दोस्तों आपको रेकमेंड किया था, और इसमें नेगेटिव न्यूज़ आया था, विजय गर्ग जी ने इस्तीफा दे दिया था, और आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम का जो स्विंग लो था वहीं से इसने बैकअप किया और हमें एक ही वीक के अंदर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिल गए दोस्तों। तो वही है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल होना चाहिए, कोई भी ट्रेडिंग सेशन कोई भी ट्रेड लो आप, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। अभी ये स्टॉक 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है इसका, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। जैसे ही ये 61.8 का रिट्रेसमेंट 650 के ऊपर आता है फिर आगे के लेवल खुल जाएंगे, बट अभी यहाँ पे कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप है तो बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, ये जो लेवल है अपना 631 यानी कि 630 के आसपास का स्टॉप लॉस लग के आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं डायमाइंस केमिकल के ऊपर। डायमाइंस केमिकल में मैंने ट्रेड लाइन के जरिए आपको बताया था कि इस स्टॉक में अगर ये लेवल टूटता है तो हमें तेज़ी करनी है। आप देख सकते हैं, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो ये जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी उसका जो लेवल आया था वो ये आया था, और दूसरा जो ट्रेंड लाइन मैंने किया था दो स्विंग हाई का वो ये आया था। मैंने बोला था स्विंग हाई टूट चुका है तो इसमें तेज़ी आई थी। मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसके ऊपर अच्छा मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, पॉजिटिव देता है, तभी इसके ऊपर की जर्नी होगी। आप देख सकते हो वहाँ पे टच करके ये स्टॉक नीचे आ गया दोस्तों, और नीचे क्लोज दिया, अभी भी नीचे क्लोज दिया। जब तक इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं देता है दोस्तों ये स्टॉक, तब तक इसमें तेज़ी बनने के कोई आसार नहीं है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा सा रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, जो हमें ट्रेंड लाइन के जरिए कंफर्मेशन मिल रहा है दोस्तों। तो इसमें अभी कुछ करना नहीं है, जब तक ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ता है ऊपर या नीचे के साइड के ऊपर, तब तक हमें वेट एंड वॉच का सीना